Students, this is your chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication, part 4. In this, we are going to study about how our railway network, waterways, ये सब हमारे लिए मतलब हम transportation system हम इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं. We are just studying about transportation here. So let's start the chapter. रेलवेज. द रेलवेज टुडे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट टुडे आज के टाइम में अगर देखें तो इट्स द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट विच आर वेरी सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग. जो कि हमारे लिए बहुत लंबे मतलब रास्ते तक अगर कोई बहुत दूरी लंबी दूरी तय करनी है एट इन दैट केस रेलवेज इज़ अ बेटर ऑप्शन. दे आर द चीपेस्ट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स. अब ये है कि ये हमारे लिए एक तो हैवी आप सामान इसके अंदर बड़ा बड़ा सामान आप इजीली ले जा सकते हैं, रॉ मटेरियल्स ले जा सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. मतलब बहुत दूर जाना है आपको और बहुत बड़ा सामान लेकर जाना है, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट्स वेरी चीप. इसके अंदर एक तो आपका जो बहुत ही चीप रहता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इन दैट केस ये बहुत ही अच्छा कहा जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट. गुड्स एंड दो इनिशियली स्टीम इंजन्स वर यूज टू रन ट्रेन्स, टुडे दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स. अब जबकि आप अगर देख सकते हैं दो इनिशियली मतलब कि स्टीम इंजन्स वगैरह जो है यूज़ किए जाते हैं ट्रेन्स को रन करने के लिए, जो कि दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स, जो कि अब रिप्लेस कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिक इंजन से, विच आर नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो इको फ्रेंडली. और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक इंजन जो है दो इनिशियली स्टीम इंजन वर यूज, मतलब पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टीम इंजन, तो अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह ने इस सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है स्टीम इंजन की जगह पर, विच आर नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो इको फ्रेंडली, जो कि तेज़ी नहीं चलती जबकि इको फ्रेंडली भी है ये आपके लिए. एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और इससे आपको बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता. द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ये जो ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा करता है रिलीफ फीचर्स पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. अगर ये सब चीज़ें हैं तो ईजिली जो रेलवे लाइन्स वगैरह आपके आराम से बिछ जाते हैं और उस पर रन करना शुरू कर देती हैं. इंडियन रेलवेज द नेटवर्क इज़ मोर डेवलप ओवर द प्लेन्स एज कम्पेयर टू द माउंटेनियस. अब जो नेटवर्क जो है और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू द माउंटेनियस, मतलब माउंटेन्स में अगर के कंपेरेटिवली अगर देखें तो हमारा प्लेन्स वगैरह में जो है वो ईजिली डेवलप हो जाता है. क्योंकि आपने देखा होगा माउंटेन में कि पहाड़ पूरा ढलान पे होता है और उसके बाद फिर उसको काटने के बाद काट कर फिर इसके अंदर रोड्स वगैरह मतलब इनके लिए रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, तब जाके उस पर कहीं जाके रन कर पाता है. और जबकि प्लेन्स में तो ईजिली आप बिछा सकते हैं दूर तक, है ना. तो दैट इज़ द रीज़न द रेलवे नेटवर्क ऑफ एनी एरिया इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट रीज़न. यानी रेलवे नेटवर्क आपके एरिया में अगर है और कितना फैला हुआ है तो उसकी ये चीज़ इससे ये बताता है कि आपका कितना वो रीज़न का जो है प्रॉस्पेरिटी है, कितना ज़्यादा फेमस है दैट रीज़न. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं. द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द वेरी वेल डेवलप्ड नेटवर्क. और जो कि इंडियन रेलवे जो हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है नेटवर्क, एंड इज़ द लार्जेस्ट इन द एशिया, और पूरे एशिया में सबसे बड़ा है. ये देखिए बेटा, दिस इज़ इंडियन रेलवेज, यू कैन सी द इमेज हियर. आप लोग भी गए होंगे कभी कई बार इसमें घूमने के लिए यहाँ वहाँ, सो इट्स अ वेरी नाइस. नाउ लेट्स रीड अबाउट वाटरवेज. वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट एंड ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. यानी कि वाटरवेज जो है ये भी बहुत ही हमारा पुराना है. आपने पहले भी सुना होगा कि लोग नदी पार करने के लिए नाव वगैरह में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे. और उसके अंदर और इस ट्रांसपोर्टेशन में ये भी है कि इसमें आप बहुत बड़े बड़े बल्कि सामान भी आप इजीली आप ले जा सकते हैं अपने साथ में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन मेनली थ्रू वाटरवेज. जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है
दैट इज़ कैरिड ऑन मेनली थ्रू वाटरवेज ही, मतलब कि हमारा इंटरनेशनली अगर हम कोई सामान ले जाते हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो हमारा वाटरवेज के थ्रू होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, और हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड सी एंड ओशन रूट्स. तो ये इस तरह से वर्क करता है आपका इनलैंड वाटरवेज के थ्रू एंड सी एंड ओशन रूट्स के थ्रू. हमारा जो बड़ा बड़ा बल्कि सामान अगर हमें कोई जगह एक जगह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो दैट इज़ डन थ्रू ओशन रूट्स एंड सी रूट्स, इसको लिया जाता है इसके अंदर. द इंडियन वाटरवेज इंक्लूड नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स. अब जो इंडियन वाटरवेज हैं ये नेविगेबल रिवर्स, मतलब रिवर्स और लेक्स का हेल्प लेते हैं इसके थ्रू दे डू दिस. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ द वाटरवे एंड द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो. यानी कि ये पूरा डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि क्या डेप्थ है उसका, कितना विड्थ उसकी है, मतलब कितनी चौड़ाई है ऑफ द वाटरवे एंड द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो, और कितना उसके अंदर पानी जो है लगातार चलता रहता है. द ग्रेट लेक्स बिटवीन द यूएसए एंड कैनेडा, द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द रिवर्स नाइल, अमेजोन एंड मिसिसिपी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज. तो ये जो कुछ नाम दिए हैं आपको यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस है और इसके थ्रू ही वाटरवेज के लिए मशहूर है. इट वेरी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सी द हार्बर डॉक यार्ड जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कि नाव वगैरह देखें आप, बड़े बड़े कितनी बड़ी बड़ी नाव वगैरह रखी हुई हैं, ये यहाँ पे खड्डे रहते हैं फिर यहीं से ये मूव करते हैं. सी एंड ओशियन रूट्स आर मेनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स. सम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन. आप देखिए सी एंड ओशियन रूट्स आर मेनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमें अगर इंटरनेशनली कोई व्यापार करना है तो वो इनके थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं. और सम जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, जैसे आपके मुंबई है, सिंगापुर है, न्यूयॉर्क, लंदन, तो इन जगह पे आपको जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स कहलाते हैं, जहाँ पर से लोग उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. उसके बाद सिडनी भी है एक्सेट्रा. द इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स आर द नॉर्थ एटलांटिक रूट्स विच कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका विद यूरोप. अब जो इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स है जो कि आप नॉर्थ एटलांटिक रूट्स जो इसका है विच कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका, जिसको जो कि नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करके करता है विद यूरोप. द मेडिटेरेनियन सी इंडियन ओशन रूट कनेक्टिंग यूरोप. जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडियन ओशन के रूट्स को कनेक्ट करता है विद यूरोप, विद ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द फार ईस्ट एंड द केप ऑफ गुड होप रूट विच कनेक्ट्स. मतलब ये तो हमारे मैंने बताया आपको इंडियन ओशन का जो कनेक्ट किया करता है इन सब जगहों को. और दूसरा अगर हम केप ऑफ गुड होप की बात करें, ये जो रूट है विच लिंक्स वेस्टर्न यूरोप विद वेस्टर्न कंट्रीज, यानी वेस्टर्न यूरोप विद वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में इसको लिंक करता है. इट इज़ इन अफ्रीका. इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट्स. और इंडिया का जो है जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है एंड हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट्स. और यहाँ पर आपको 12 मेजर सी पोर्ट्स मिलेंगे. सम ऑफ देम आर मुंबई, कांडला, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता. अब ये देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे, जिसमें से कुछ आपको नाम बताया गया है. तो 95% ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड इज हैंडल्ड थ्रू दीज पोर्ट्स. यानी 95% जो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन्हीं पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है. तो सोचिए कि 95% 5% रह जाता है, बट 95% जो है इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड होता है यानी व्यापार का जो काम है वो हमारा इन पोर्ट्स के थ्रू ही होता है. सो दिस इज योर पार्ट 4 इज बीन कंप्लीटेड हियर. सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर.